Hi, my name is Jia. I want to tell you something. मैं स्पाइडरमैन की बहुत बड़ी फैन हूँ. मैंने स्पाइडरमैन की हर फिल्म कई बार देखी है. स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, मैं हूँ स्पाइडरमैन. इडियट, स्पाइडरमैन लोगों की मदद करता है, ये ऐसी मस्ती नहीं करता. मैं बड़ी होकर स्पाइडरमैन बनूंगी. पापा कहते हैं मैं उनकी स्पाइडरमैन हूँ, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं ए जिया, तू पीटर पार्कर लगती है. ए रुक रुक, जिया पार्कर, जिया पार्कर. पापा कहते हैं स्पाइडरमैन के पीछे एक पीटर पार्कर होता है और पीटर पार्कर के पीछे एक स्पाइडरमैन. पापा की ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज से पहले स्पाइडरमैन की ये फिल्म मैं 37th टाइम देख रही हूँ. मैं ये फिल्म 37th टाइम पहले ही देख लेती अगर सारा बुआ को वो एक्सीडेंट वाला कॉल नहीं आता. हेलो, क्या कहा? मैंने एक्सीडेंट वाला कहा. ओ क्या कहा? ये है मेरी छोटी बुआ, सारा बुआ. कहने को तो छोटी है पर नखरे इसके बड़े हैं. जैसे एक्ट्रेस मेरी जैन को नहीं, इसे बनना हो. मेरी जैन ने तो मूवी के तीनों पार्ट में एक ही बॉयफ्रेंड रखा था, पर सारा बुआ ने तो जिंदगी के एक ही पार्ट में तीन बॉयफ्रेंड रखकर ब्रेकअप भी कर लिया. तीन में से दोनों को तो बुआ ने आउट कर दिया और एक में इन दोनों के वजह से बुआ को आउट कर दिया. फिलहाल बुआ को एक बॉयफ्रेंड है. फिलहाल तो ये बीकॉम कर रही है, पर बीकॉम के लॉन्ग फॉर्म के सिवा शायद ही इसे कुछ आता है, क्योंकि इसका सारा दिन बॉयफ्रेंड से बात करने में चला जाता है. जितना स्पाइडरमैन रात को लोगों को बचाने के लिए नहीं जागता होगा, उतना ही अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए जागती है. वैसे तो तीनों भाई बहनों में ये सबसे छोटी है, पर मुझ पर सबसे छोटे होने का रौब जताती है. इसलिए तो कभी कभी ये मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने ले जाती है. समझती है मुझे कुछ नहीं समझता, पूरा ना समझता हो पर इतना तो समझता है कि ये दुनिया को अपने बारे में क्या समझा रहे हैं. खैर जो भी हो, बुआ का ये बॉयफ्रेंड उसके लिए हीरो था. और ये है मेरी प्रिया बुआ. वैसे तो सारा बुआ से उम्र में बड़ी है, लेकिन उसके कारनामों के सामने छोटी है. ये खुद होकर कभी लड़कों से बात नहीं करती थी, इसलिए इनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना था. सारा बुआ के सारे गुण इनमें ना आए हो, लेकिन प्रिया बुआ चाहती थी कि उनकी शादी हैरी ऑसबॉर्न जैसे लड़के से हो.
लेकिन वो हिंदी फिल्मों में कहते हैं ना, जोड़िया ऊपर से बनकर आती है, इनकी ऊपर वाले से बन गई। बुआ ये शादी नहीं करना चाहती थी। आखिर हर्जी क्या है? लड़का अच्छा कमाता है, गवर्नमेंट जॉब है, खुश रखेगा इसे, वो कुछ नहीं, इसकी शादी वही होगी बस। दादाजी के सामने किसी की एक नहीं चली और बुआ एक से दो हो गई। कल जिया के बर्थडे के लिए जाना था, सिर्फ तुम्हारे लेट हो जाने की वजह से नहीं जा पाए। कल ऑफिस में बहुत काम था, इसी वजह से लेट हो गए। और मैंने तुम्हें कॉल भी किया था। वो कुछ नहीं, मुझे बनारसी साड़ी चाहिए, मतलब चाहिए बस। शादी के बाद बुआ और फूफा का वैसा रिश्ता बन गया था जैसा स्पाइडरमैन मूवी में वो न्यूज़पेपर ओनर का पीटर पार्कर से होता है। चीनी कम है इसमें? मुंह से इतनी झड़ रही है, वही डाल दो। क्या क्या कहा? हाँ ला रहा हूँ। वो तो अच्छा था कि फूफा बुआ से उतना ही प्यार करते थे जितना पीटर पार्कर अपनी मैरी जेन से करता है, वरना ये रिलेशन स्पाइडरमैन वर्सेस ग्रीन गॉब्लिन का होने में देर नहीं लगती। इन दोनों मैरी जेन के लिए अपने अपने पार्टनर एक स्पाइडरमैन था और एक पीटर पार्कर। वो तो अच्छा हुआ कि इन्हें सही वक्त पे लाया गया। अभी सब ठीक है। लेकिन फिर भी हमें खून की जरूरत पड़ सकती है। फिर भी आप ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का इंतजाम करके रखिए। हेलो 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 सुरेश। इस सारे इंसिडेंट में पापा और मम्मी घर पर नहीं थे, पर फूफा ने उनकी जरा सी भी कमी महसूस नहीं होने दी। सैम रैमी ने जितना टॉबी मैगियो को स्पाइडरमैन फिल्म में डायरेक्ट किया होगा, उतना ही फूफा ने हमें इस सिचुएशन में से बाहर निकालने में डायरेक्ट किया था। इस एक्सीडेंट में दादाजी को चोटें तो आई थी, पर प्रिया बुआ का चोट खाया हुआ दिल ठीक हो गया। इतना अगर फूफा शादी से पहले किसी ज्यादा खूबसूरत लड़की के लिए करते तो आज उनकी बुआ से ज्यादा खूबसूरत बीवी होती, लेकिन तब वो मेरे फूफा थोड़ी ना होते। इस इंसिडेंट के दौरान सारा बुआ मोबाइल पर बार बार लगी हुई थी, पर सामने से आवाज आती, The customer you are trying to reach is currently switched off। कहाँ थे तुम कल से? मैं कॉल कर कर के परेशान थी और तुमने भी कॉल नहीं किया। अरे सोना, कल मैं बहुत परेशान था, पता है कल क्या हुआ? हॉस्पिटल तो लेके जाते। अरे यार, मुझे क्या पता था वो तुम्हारे पापा थे, और मैं वहाँ रुकता ना तो लोग मेरा भरता ही बना डालते। I don't want to talk with you. Just go to hell. अरे यार, अरे सोना, अरे सुन तो। सही तो कह रहा है, सारा बुआ का ये बॉयफ्रेंड वहाँ रुकता तो अभी इसका बॉय कहीं पड़ा होता और फ्रेंड कहीं पड़ा होता। फिर नहीं तो क्या?
जी आप कौन? आपके पिताजी का जो एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी मैं ही चला रहा था। सुनिए, देखिए। हाँ बोलिए। इनके पिताजी का जो एक्सीडेंट हुआ था वो मेरी गाड़ी से हुआ था। ठीक है, आओ अंदर आओ। अरे गलती तो हर किसी से होती है, सबसे अहम बात तो ये होती है कि अपने गलती को मानना, गलती का एहसास होना। तुम जरा गाड़ी ध्यान से चलाया करो इसके आगे। ये बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के घर वालों के सामने इतना अननेचुरल क्यों बिहेव करते हैं? इनके इस बिहेवियर में और असली बिहेवियर में उतना ही फर्क होता है जितना इंग्लिश स्पाइडरमैन मूवी के इमोशन में और हिंदी डब वाली स्पाइडरमैन मूवी के इमोशन में होता है। बॉयफ्रेंड स्पाइडरमैन से दादाजी के एक्सीडेंट के बाद पीटर पार्कर बना था और आज फिर से स्पाइडरमैन बना है। स्पाइडरमैन के पीछे एक पीटर पार्कर होता है और पीटर पार्कर के पीछे एक स्पाइडरमैन। पापा की इन बातों में उतना ही दम था जितना पीटर पार्कर की आंटी की बातों में होता है। सही तो दोनों होते हैं, बस वक्त का नजरिया कभी कभी गलत हो जाता है। तो कौन हूँ मैं हूँ स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर भी।